हेलो गाइस। तो नेपाल ट्रिप से आने के बाद जैसा देख सकते हैं बाइक थोड़ा गिरा था एक बार, तो पीछे का ढंडन हो गया है नंबर प्लेट, एंड इधर का नकल गार्ड तो टूट गया है एक, तो इसको खुलवा लूँगा मैं। एंड अभी चलते हैं वॉशिंग के लिए। इंटरनेट से एक फॉर्म वॉशिंग का जगह देखा मैंने, तो सोचा इतना दूर से आए हैं तो अच्छा खासा देखते हैं फॉर्म वॉश करवा के कैसा होता है। तो यहाँ एक एजेंसी में पहुँचे जो लोग क्लीनिंग करते हैं। बहुत ओपन प्लेस था, मतलब वो आप पीछे के नाला वगैरह में मत जाइए, बहुत ओपन प्लेस है। यहाँ पे साफ ज़्यादा अच्छा करके हुआ बाइक। इसका वीडियो मैंने अलग से भी शेयर किया है, ठीक है, कंप्लीट। बट ये क्या है, मैं गोप्रो से रिकॉर्ड किया हूँ, तो आपको सिनॉप्सिस एक दिखा देता हूँ कि क्लीनिंग कैसे हुआ, फिर नंबर प्लेट मैंने कैसे मैकेनिक से ठीक करवाया। एंड ये पहले फॉर्म से वॉश किए, उससे पहले आपका वाटर से वॉश किए, फिर चैन का जो है ल्यूब पुराना उसको क्लीन किए, गंदा हो गया था, डस्ट था पूरा, फिर नया से ल्यूब किए एंड बहुत अच्छे से साफ किए। मतलब इतना गंदा था ना बाइक जब लेके गया था, पूरा मिट्टी एकदम, तो मुझे लग ही नहीं रहा था नया जैसा चमकेगा, फिर से नया से जैसा हो गया। एंड अच्छा लगा, बहुत प्रोफेशनल तरीके से क्लीन किए एंड 250 चार्ज किए, 150 क्लीनिंग के एंड आपका 100 चैन लूप क्लीन करने का, चैन लूप करने का, तो टोटल 250। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब इतना बहुत दिन बाद इतना क्लीन हुआ बाइक पूरा नया जैसा। इतना इस पे मतलब कैसे बताऊँ, वो एक वीडियो और है मेरे चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर कर दूंगा, उसको देखिएगा। एकदम इतना गंदा था ना जब लेके आया था, और अभी क्लीन हो गया बहुत दिन बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अब यहाँ पे मैं अपना नंबर प्लेट सही करवा रहा हूँ, पीछे हिल रहा है, ये बस 20 रुपीज़ चार्ज लिए, ठीक है। एंड ये थोड़ा बस उसको ठोक ठोक के ही जो उसका रिवेटिंग होता है उसको बैठा दिए सही से। मेरा दोनों काम हो गया। वैसे नंबर प्लेट का सोच रहा था खोल के फिर से लगवाना पड़ेगा। दोनों काम हो गया, बाइक भी साफ करवा लिए और पीछे धन कर रहा था वो भी सही कर लिए। बाइक क्लीन करने के बाद और पीछे का वो नंबर प्लेट टाइट करवाने के बाद, चैन क्लीन करने के बाद, अब कौन चैन, कोई चैन में सब नहीं, बहुत स्मूथ भी जा रहा है बाइक, बहुत बाइक मस्त चल रहा है। चैन ल्यूब हो गया ना एकदम, ल्यूब होने के बाद एकदम मस्त चलता है। मेरे वीडियोज़ देखने के लिए मैं इस पर जो नेपाल ट्रिप किया हूँ उसका वीडियो भी शेयर करता हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।